हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपको हमने 74 तक कंप्लीट करवा दिए थे क्वेश्चन, आज 75 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक विभवमापी के तार का प्रतिरोध 9 और लंबाई 9 मीटर है। 75 में ध्यान देना, एक विभवमापी का ये वायर है जिसका प्रतिरोध 9 ओम दिया है और इसकी लेंथ भी कितने मीटर है, 9 मीटर है। ठीक, ए भी तार मानते थे आप, हमने भी यहां पर ए भी मान लिया। कह रहे एक सेल 2 वोल्ट का और एक अज्ञात प्रतिरोध इसके सीरीज में जोड़ दिया। कह रहा है 2 वोल्ट का एक सेल, एक अज्ञात प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। कह रहा है अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, इस प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए कि तार में विभव प्रवणता के इक्वल टू 1 माइक्रोवोल्ट प्रति मिलीमीटर हो जाए। 1 माइक्रोवोल्ट प्रति मिलीमीटर, इतनी विभव प्रवणता करनी है, इतना विस्तार का हमें मान निकालना है। ध्यान देंगे सभी लोग, पहले इसको हम चेंज कर ले माइक्रोवोल्ट प्रति एमएम से वोल्ट प्रति मीटर में। ठीक, तो माइक्रोवोल्ट का मतलब हो गया 10^-6 वोल्ट, एमएम का अर्थ हो गया 10^-3 मीटर। तो ऊपर वैल्यू रहेगी इसकी 10^-3 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, हम सभी जानते हैं के इक्वल टू क्या होता है, वी अपान एल, तार के सिरों पर विभवांतर बटे तार की लंबाई। तो तार ए बी का विभवांतर निकलेगा ये वी इक्वल टू हो गया 10^-3। वी का मान हमें नहीं पता लेकिन एल का मान 9 पता है, ये 10^-3। ठीक, क्या आ गया, वी इक्वल टू 9×10^-3। तार ए बी के सिरों के बीच का विभवांतर हो गया 9×10^-3। अच्छा, तार ए बी में अगर धारा निकालें तो वी बराबर आई आर रखा जा सकता है, बराबर 9×10^-3। आई तार ए बी का प्रतिरोध कितना है, 9। ये तार ए बी के बारे में सबको निकल रहा है क्योंकि उसी की विभवता है, उसी का विभवांतर, उसी की लंबाई, उसी में धारा। 9×10^-3, 9 से 9 कट गया, तार ए बी में धारा 10^-3 एम्पियर निकल आई, ये तार ए बी में धारा हो गई। अच्छा, जो धारा तार ए बी में गई है वही धारा तो पूरे बैटरी, अज्ञात प्रतिरोध, तार सबसे प्रवाहित होगी। जो धारा आई का मान 10^-3 एम्पियर इस तार से बहेगा वही तो धारा इसमें भी जाएगी, धारा मालूम हो गई। अब धारा के लिए I इक्वल टू होता है E अपान तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध यहां पर क्या है, R प्लस 9, समझ लो भाई, R ये प्रतिरोध हो गया और 9 हो गया, तो R और 9 सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो R प्लस 9 होगा। I का मान 10^-3, E का मान 2 हो गया, नीचे R प्लस 9 हो गया, तिरछी गुणा कर लो, R प्लस 9 इक्वल टू क्या आएगा, 2/10^-3। 10^-3 ऊपर ले जा सकते हैं तो ये 2000 हो जाएगा। R इक्वल टू निकाले 2000-9, ये आ जाएगा 1991। तो उस अज्ञात प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, 1991। यदि 1991 ओम तार का अज्ञात प्रतिरोध होगा तो तार एबी की विभवता 1 माइक्रोवोल्ट प्रति मिनट हो जाएगी। देखो यहां पर जो हम रखते हैं ये बी, ये इतने का विभवांतर है, बी आई आर जो रखा है, आई इसमें धारा और आर इसी का प्रतिरोध है, यहां से आई निकला है, आई को रख दिया, कुल विद्युत भाग बल बटे तुल्य प्रतिरोध, तो आपकी क्या निकल आई, करंट कैलकुलेट हो वो आर का मान कैलकुलेट हो गया। ठीक, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। 76 में देखो आपका फिगर बना हुआ है और बाकी सब डाटा उसमें दिया है, लिखा हुआ है। देखिए 76 वाले का ये फिगर है, ये एक सेल लगा हुआ है, ये विभवमापी का तार है, ठीक, और ए बी, और ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहां पर ये स्पष्ट कर रहा है,
ठीक। अब आगे देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक विभवमापी के तार की लंबाई 2 मीटर है, ये जो तार है इसकी लेंथ जो है पूरी 2 मीटर है। विभवमापी के तार की लेंथ 2 मीटर है, चित्र के अनुसार नगण्य आंतरिक प्रतिरोध था 4 वोल्ट, इसका आंतरिक प्रतिरोध लगभग 0 है, 4 वोल्ट विद्युत वाहक बल की यह बैटरी है। फिर आगे लिखा हुआ है तार ए बी से जोड़ी गई है, ज्ञात कीजिए नंबर ए तार ए बी विभवमापी के तार की विभव प्रवणता। बताइए विभव प्रवणता के लिए क्या सूत्र होता है, के बराबर होता है बी अपान एल। अब ये बताओ यहां ये जो बैटरी लगी इसके साथ में कोई प्रतिरोध है ही, तो इसका जो टोटल विद्युत वाहक बल होगा वो इस तार ए बी के सिरों पर ही स्थापित होगा, तो तार ए बी के लिए भी का मान 4 ही तो होगा। यदि यहां पर कोई रेजिस्टेंस होता तो फिर हमें उस रेजिस्टेंस के सिरों पर विभवांतर अलग छोड़ना पड़ता, बचा वाला यहां पर होता, तब इसका भी प्रतिरोध दिया होता, लेकिन ऐसा है तो सारा विद्युत वाहक बल इसी तार ए बी के सिरों पर होगा। तार ए बी की लंबाई हो गई 2, 2 × 4 तो ये हो गया आपका 2 वोल्ट प्रति मीटर। तार ए बी की विभव प्रवणता हो गई 2 वोल्ट प्रति मीटर। नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि आदर्श वोल्ट मीटर बी का पाठ्यांक जबकि बीसी बराबर 80 सेंटीमीटर, ठीक है, बीसी ये सी बिंदु है ये, और ये लंबाई दी है हमें 80 सेंटीमीटर, ठीक। वैसे चित्र बनना चाहिए था, तो देखो ऐसे हम इसको बना दे रहे हैं, यहां पर एक वोल्ट मीटर 80 थोड़ा कम होगा भाई, यहां पे दिखा दे सी, ये लंबाई कितने सेंटीमीटर है 80 सेंटीमीटर। तो कह रहा आदर्श वोल्ट मीटर वी का पाठ्यांक जबकि बीसी बराबर कितना दिया है 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो लिखेंगे देखो वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होगा वो बीसी के बीच का विभवांतर होगा, बीसी पर जितना विभवांतर होगा वही वोल्ट मीटर वी का पाठ्यांक होगा। तो लिखेंगे वोल्ट मीटर वी का पाठ्यांक, आदर्श वोल्ट मीटर वो होता है जिसका अपना प्रतिरोध अनंत होता है, वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू नापता है, तो V बराबर kx, ध्यान दो V बराबर क्या लगाएंगे kx, जहां k तार की विभवता होगी, x लंबाई ये वाली 80 सेंटीमीटर, जैसे आप विक्षेप ढूंढते थे x पे तो E बराबर kx लिखते थे, वैसे यहां पर ये मान लो कि अविक्षेप बिंदु है तो V बराबर kx हो जाएगा, और k का मान कितना है 2, x का मान 80 सेंटीमीटर, तो 80 बटे क्या हो जाएगा 100 मीटर, क्या निकल आएगा 0 0 काट दें 8 × 16/10 1.6 वोल्ट, आदर्श वोल्टमीटर बी का पाठ्यांक 1.6 वोल्ट। हेलो इतने करना आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। कह रहा है विभवमापी के तार ए बी की लंबाई 100 सेंटीमीटर, 77 पे है ये भाई 76 था, एक विभवमापी के तार ए बी की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, ये एक तार है ए बी, ठीक, जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है, इसमें 15 मिली एम्पीयर की धारा बह रही है, देखो इसकी लेंथ दी है 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर है कि नहीं, करंट इसमें बह रहा है 15 मिली एम्पीयर, 15 मिली एम्पीयर का मतलब 15 × 10^-3 एम्पीयर, फिगर इसका बना हुआ है, और देखो चित्र ऐसे बना हुआ है, ये एक यहां पे सेल लगा हुआ है, ठीक, सेल के साथ में एक 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, फिर इसके आगे इन्होंने क्या किया है एक गैल्वेनोमीटर यहां पे जोड़ा है जी, और एक बार यहां टच करा रहे हैं एक बार यहां टच करा रहे हैं, ठीक, और ये एक वोल्टमीटर लगा हुआ है, ये वोल्टमीटर यहां पर लगा हुआ है, ठीक, ये 10 ओम का प्रतिरोध है और ये 1.5 वोल्ट का एक सेल है, ऐसी स्थिति है परिपथ की, और
तारे भी की लंबाई सौ धारा उसमें दी हुई है। आगे कह रहा है 1.5 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 10 ओम आंतरिक प्रतिरोध के एक सेल से अविच्छेद बिंदु 50 सेंटीमीटर पर मिलता है। अविच्छेद बिंदु की दूरी ये x का मान 50 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। अविच्छेद बिंदु जहां कहीं भी मिला है ये वाला अविच्छेद बिंदु की स्थित है, ये कब 50 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक। फिर आगे कह रहे हैं यदि सेल के सिरों के बीच 1 वोल्ट मीटर जोड़ दें तो अविच्छेद बिंदु 49 सेंटीमीटर की दूरी पर आता है। गणना कीजिए संपूर्ण तार का प्रतिरोध, फिर लिखा है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, फिर लिखा है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। सभी लोग ध्यान देना, नंबर एक पूछ रहा है पूरे तार का प्रतिरोध, संपूर्ण तार का प्रतिरोध, संपूर्ण तार अर्थात संपूर्ण तार एबी का प्रतिरोध पूछ रहा है, तार एबी का प्रतिरोध क्या आएगा, ठीक। ध्यान देंगे सभी लोग, 1.5 वोल्ट और 10 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल से अविच्छेद 50 की दूरी पर मिला है, तार की लंबाई दी हुई है, ठीक, और उसमें करंट दिया हुआ है। ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे कि E बराबर के एक्स, अविच्छेद स्थिति में E बराबर के एक्स होता है, कब ब्रैकेट में लिख देंगे अविच्छेद स्थिति में E बराबर के एक्स, ई सेल का विद्युत वाहक बल हो गया 1.5, के विभव प्रवणता हो गई, एक्स अविच्छेद बिंदु की दूरी जो कि 50 है, ठीक। चाहो तो इसको मीटर में कर ले, मीटर में करोगे कितना आ जाएगा बटे में 100, 50 गुना 100 तो के बराबर हो जाएगा 3 वोल्ट प्रति मीटर। तार की विभवपूर्णता मिल गई, तार की जब विभवपूर्णता मिल गई तो तार के सिरों पर विभवांतर निकाल सकते हैं, तार के सिरों पर विभवांतर बताओ क्या आएगा, V बराबर KL, के विभवपूर्णता L पूरे तार की लंबाई। देखो हमने E बराबर KX कैसे लिखा, हम जानते हैं जब सिरे से X दूरी पर अविच्छेद मिलता है तो इस सेल का EMF KX के बराबर होता है, जहां K विभवपूर्णता है, X दिया हुआ है, K निकला है, और जब तार पूरे का विभवांतर निकालते हैं तो विभवपूर्णता गुणे पूरी लंबाई, पूरी लंबाई L है, K का मान 3 हो गया, L 1 मीटर हो गया, V बराबर IR लिख सकते हैं कि नहीं, IR तार AB का प्रतिरोध, 3 × 1 मतलब 3 हो जाएगा, ये तार AB का प्रतिरोध है, ठीक, IR AB, बताओ I का मान कितना है, I का मान दिया 15 मिली एम्पियर, अर्थात 15 × 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर आई का मान है, और आर ए बी कितना है पता नहीं, उसी का तो प्रतिरोध पूछ रहे हैं, बराबर कितना 3, ठीक। आर ए बी बराबर निकालोगे 3/15 × 10 की पावर माइनस 3, आर ए बी बराबर क्या आएगा, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा 1000 हो जाएगा, 3 × 3 = 15 बटे में कितना 5, कितनी बार कट जाएगा 200, तो तार एबी का प्रतिरोध जो निकलेगा वो 200 ओम आ जाएगा, ठीक। नंबर दो पूछ रहे हैं, नंबर दो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताओ, वोल्ट मीटर क्या नापेगा, अविच्छेद स्थिति में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या है, ठीक। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, देखिए वैसे तो एक तरीका है कि अगर हमें वोल्ट मीटर में प्रवाहित धारा मिल जाए, ठीक, और फिर क्या मिल जाए, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध मिल जाए, तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V और IR आ सकता है, ठीक। लेकिन यहां के लिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होना चाहिए, 15 मिली एम्पीयर की धारा तो इस तार AB में बह रही है और अविच्छेद स्थिति में यहां कोई भी धारा नहीं है, तो जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा, ठीक, ये सेल के सिरों के बीच का विभवांतर है, और सेल के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, V इक्वल टू E माइनस IR, और E माइनस IR निकालेंगे कैसे, E तो मान लो ये ले लिया,
और आई तो इसमें फ्लो ही नहीं कर रहा है भाई, आई जो है इसमें फ्लो नहीं कर रहा। लेकिन आगे पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन में, कह रहा है कि यदि, मतलब ये हुआ अभी जुड़ा नहीं था, यदि सेल के सिरों पर एक वोल्ट मीटर लगा दे तो अविच्छेद कितने पर रह जाता है? 49। ये अविच्छेद, यदि सेल के सिरों पर एक वोल्ट मीटर लगा दे तो अविच्छेद स्थिति 49 प्राप्त होती है। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक लिखेंगे V इक्वल टू के एक्स डैस, के का मान कितना है 3, एक्स डैस का मान 49 सेंटीमीटर बटे में कितना 100, है ना। क्या आएगा, 0 0 हटाए यहां पॉइंट लगा दे, गुणा कर दे 1.47 वोल्ट। बात यह है कि इस वाले सर्किट में कोई करंट ही नहीं है, तुम यहां से कुछ निकाल ही नहीं सकते, 10 ओम तो तुम्हें भ्रमित करने के लिए दिया है। जब हमने वोल्ट मीटर यहां लगाया तो यह अविच्छेद 50 की बजाय 49 पे आया, तो 49 सेंटीमीटर का जो विभवांतर होगा वही वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा। तो 49 सेंटीमीटर का विभवांतर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, V बराबर के एक्स डैस। देखो आप क्या करते हैं, 3 वोल्ट प्रति मीटर का मतलब है 1 मीटर का विभवांतर, अब 49 सेंटीमीटर का निकालना है तो 49 सेंटीमीटर इसको कन्वर्ट कर ले, 49 बटे 100 मीटर का विभवांतर, 49 बटे 100 गुणे 3 वही निकला। तीसरा पूछ रहे हैं वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ये कैसे निकाले, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। वोल्ट मीटर का हमें पाठ्यांक पता है ठीक, अच्छा ये जो वोल्ट मीटर होगा ये सेल के सिरों के बीच का भी विभवांतर बनेगा भाई, ये जो वोल्ट मीटर होगा ये सेल के सिरों के बीच का भी विभवांतर पढ़ेगा, तो और हमें निकालना है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। तो देखिए आपने ये भी फार्मूला पढ़ा होगा, R इक्वल टू ई अपान वी माइनस 1 इंटू कैपिटल R, ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा तब सूत्र होता है आंतरिक प्रतिरोध बराबर ई अपान बी माइनस 1 इंटू कैपिटल R। आंतरिक प्रतिरोध R का मान 10 देखते हैं भाई, ई का मान 1.5, बी का मान 1.47 माइनस 1 इंटू में क्या R, ये 10 इसका हर बराबर करें घटाएं, हर बराबर करेंगे घटाएंगे तो क्या आएगा 0.03 1.47 इंटू R, ये पॉइंट एक पॉइंट हटा दें ठीक, 3 से इसको काट लें, बताओ कितनी बार 3 6 12 दो बचा 3 8 27 फिर चिगुणा कर दें तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 400 ठीक। वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध निकलेगा वो 490 ओम निकल कर आएगा, फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, 20 का पता, देखो जो इसका पाठ्यांक वो इसके सिरों का भी विभवांतर है भाई, इसके सिरों का भी विभवांतर है, लेकिन यहां से हम इसको निकाल नहीं पाए थे, निकाल हम यहीं से पाए थे क्योंकि धारा उधर बह गई थी इस वाले तार में, तो 49 सेंटीमीटर का विभवांतर इसका क्या हो गया, पाठ्यांक हो गया। और इस पाठ्यांक इस ई और स्मॉल आर की सहायता से इसका रेजिस्टेंस निकाल लें ठीक, तो वो आर बराबर क्या निकल आएगा 490 ओम निकल आएगा ठीक। तो इस प्रकार से हम वोल्टमीटर का पाठ्यांक और वोल्टमीटर का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, 78 क्वेश्चन में लिखा है एक विभव मापी के तार को प्राथमिक सेल द्वारा एक निश्चित विभव कोणता स्थापित की गई है। एक विभव मापी का तार है जिसको एक प्राथमिक सेल द्वारा निश्चित विभव कोणता प्रदान की गई या उस पर स्थापित की गई ठीक, इसका मतलब है जो सेल होगा उसका ईएमएफ जो है ज्ञात होगा, या देख लेते हैं क्या क्या दिया। एक विभव मापी का तार हो गया ए बी, यहां पर एक प्राथमिक सेल हो गया जिसके द्वारा हमने क्या किया इस पर एक निश्चित विभवपूर्णता लगा दी। फिर कह रहा है कि द्वितीयक परिपथों में जुड़े एक मानक सेल तथा एक अज्ञात सेल के लिए, द्वितीयक परिपथों में देखो भैया दो सेल जुड़े हैं, एक ये सेल जुड़ा है एक ये सेल जुड़ा है, मतलब एक मानक सेल है एक अज्ञात सेल है। मानक सेल का ईएमएफ दिया है 1.018 वोल्ट और अज्ञात सेल का ईएमएफ V2 है जो निकालना भी है, तो
और देखो हमने जब दो सेलों के विद्युत भाग बलों की तुलना कराई थी तो यहां पर कुंजी लगाते थे ऐसे, याद होगा। ये गैल्वेनोमीटर हो गया और जी ये जॉकी। तो कह रहा है कि मानक सेल के लिए और अज्ञात सेल के लिए संतुलन बिंदु। तो मानक सेल जिसका यूनिट पता है, तो सेल E1 के लिए संतुलन बिंदु कितने पर है? संतुलन बिंदु दिया है L1 बराबर 305.4 सेंटीमीटर। और सेल E2 के लिए जिसका ईएमएफ नहीं पता है, ये मानक सेल E1 है जिसका ईएमएफ पता है, सेल E2 के लिए संतुलन बिंदु L2 बराबर दिया है 450 सेंटीमीटर। दो बातें दी, परिपथ ऐसा बना होगा, मतलब जब ये सेल को परिपथ में रखते हैं इतने पर विक्षेप प्राप्त होता है, जब इस सेल को परिपथ में रखते हैं तो इतने पर विक्षेप प्राप्त होता है। तो कह रहा है नंबर एक तार की विभवणता के बताओ, नंबर दो अज्ञात सेल का विद्युत भाग बल E2 बताओ। दो बातें पूछ रहे, क्या करते हैं जो निकला है? देखिए आपने पढ़ा होगा जब हम इस सेल को परिपथ में लगाएंगे L1 दूरी पर संतुलन बिंदु मिलेगा, तो E1 बराबर KL1 बताओ, या X1 X2 भी मान सकते हैं, तो E1 बराबर KX1 लिख सकते थे। E1 का मान 1.018, K का मान मालूम नहीं, L1 का मान 305.4, K आ जाएगा 1.018/305.4। ये डेसिमल हटा दें, नीचे दो जीरो बढ़ा लें, समझ गए? ये पूरा तीन बार, देखो 1018 3054 तीन बार घट जाएगा, तो K बराबर निकलेगा 1/300 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। इतनी जरूर पड़ता। फिर कह रहे हैं कि अज्ञात सेल का ईएमएफ, तो अज्ञात सेल का ईएमएफ E2 बराबर KL2 लगा सकते हैं कि नहीं? या एक तरीका और था, अगर ये ना निकलवाता के तो पढ़ा था E1/E2 बराबर L1/L2, वो भी सही था, यहां भी लग सकता है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, इसमें आसान रहेगा। K का मान 1/300 और L2 कितना है 450, 0 0 काट दे, 15 3 45, 15 2 30, 3/2 मतलब 1.5 वोल्ट का दूसरा सेल होगा जिसका विद्युत वाहक बल हमें नहीं पता था। ठीक, तो आप इसको भी हल कर सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे, एक 3 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल 4 ओम प्रतिरोध वाले विभवमापी के तार एसी के मध्य जुड़ी है। ठीक, एक तार है विभवमापी का एसी, 3 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक बैटरी है, ठीक, और ये तार एसी के बीच जुड़ी है, कह रहा है, और इसका प्रतिरोध कितने ओम दिया है? इस तार एसी का प्रतिरोध दिया है 4 ओम। 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, चित्र बना हुआ है ऐसी स्थिति। ठीक, ये 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। यदि संपर्क बिंदु बी विभवमापी के तार एसी के ठीक बीच में हो, मतलब ये जो बी पॉइंट है ये बिल्कुल बीचों बीच में है, यहां जैसे इस तार की लंबाई अगर डी होती इसमें 2 मीटर तो बी होता 1 मीटर। ठीक, बिल्कुल बीचों बीच का मतलब हो गया पूरे तार का प्रतिरोध कितने ओम था 4 ओम, बीच में बी भाग बिल्कुल बीचों बीच में है, इधर 2 ओम तो रह जाएगा, इधर कितने ओम रह जाएगा? ये भी 2 ओम है, तभी तो 4 था। क्वेश्चन है 3 वोल्ट विद्युत भाग बल की एक बैटरी 4 ओम प्रतिरोध वाले एक विभवमापी के तार एसी से जुड़ी है, 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करो, यदि संपर्क बिंदु बी तार एसी के बिल्कुल बीच में, तो तार एसी का प्रतिरोध 4 तो बिल्कुल बीच में बिंदु बी है, तो आधा इधर आधा उधर, 2 ओम इधर 2 ओम उधर, 2 ओम बचा, इसका मतलब हमें 2 ओम मतलब AB के बीच का विभवांतर निकालना है, जो AB के बीच का विभवांतर होगा वही 2 ओम के बीच का होगा। बहुत आसान, क्या करें? तो हमने सबसे पहले क्या किया, तुल्य प्रतिरोध निकाला। तुल्य प्रतिरोध कैसे ले लगा? 2 ओम 2 ओम किस क्रम में? समांतर क्रम में।
तो दो दो का कितना हुआ एक, ठीक। लिखेंगे आर ए बी, तुल्य आर ए बी निकाला, ए वा बी के बीच का बुक, तो दो दो समांतर में थे तो गुणनफल बटे योगफल करते कि नहीं, दो दो चार, चार बटे चार एक हो। अब आर ए बी मतलब इतने का तुल्य और ये दोनों किस क्रम में है सीरीज में, तो परिपथ का तुल्य कितना होगा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आर बराबर एक प्लस दो, एक इसका निकला था दोनों का, इसका दोनों का एक निकला था दो, ये तो दो एक कितने हो गया तीन हो। धारा निकाल सकते हैं, धारा आई बराबर ई अपान आर, ई कितना है तीन, आर भी तीन, तीन बटे तीन कितने एम्पियर धारा होगी। अच्छा बताओ एक ही फिर धारा चली चली ठीक चलने दो, यहां आई कितने भाग होंगे दो, आधी इधर जाएगी क्योंकि दोनों सेम है, दो दो आधी उधर जाएगी, एक एम्पियर तो इसमें तो एक बटे दो एम्पियर जाएगी, इसमें भी एक दो बटे दो एम्पियर जाएगी, फिर यहां पर मिलेगी फिर से आई हो जाएगी, बोलो इस दोम में आई जाएगी, हमें विभवांतर इस दोम का निकालना ठीक। ये परिपथ में ये बना नहीं था, हमने तो दर्शाया है बाद में कि चार ओम था, आधा आधा दो दो ओम हो गया, तो लिखेंगे दो ओम पर विभवांतर। बताओ बी बराबर आई आर, आई कितनी जाएगी एक बटे दो, आई पूरी तो एक बटे एक है लेकिन इसमें कितनी जाएगी एक बटे दो, आधी हो जाएगी धारा आधी जाएगी, आईडेस का मान एक बटे दो, आर का मान दो, दो बटे दो एक। और अगर तुम्हें इसमें दिक्कत हो रही है तो मालूम क्या करो, सीधे बी ए बी निकाल दो, जो बी ए बी होगा वही यहां का भी होगा, वही यहां का भी होगा, तो बी ए बी आपका यही निकलेगा। देखो बी ए बी पूरे ए बी में तो धारा आई ही, आई आई का मान एक, आर का मान आर ए बी, आर ए बी कितना निकाला था ये भी है ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 जिसमें लिखा हुआ है परिपथ बना हुआ है ठीक, नहीं बना होता है तो जो भी कहता है उसके अनुसार हम परिपथ बना भी सकते हैं। परिपथ में ये 40 ओम का प्रतिरोध है, यहां पर एक बैटरी है जिसका विद्युत भार कुल 2 वोल्ट है ठीक, ये विभवमापी का तार ए बी है, विभवमापी का तार ए बी हो गया ठीक। फिर आगे क्या है, ये सेल ई टू हो गया और यहां पर एक एलोनोमीटर है जिसकी सुई बिल्कुल सीधी है, मतलब अविच्छेद वाली स्थिति होगी यहां पर, यह अविच्छेद स्थिति है। पूरे तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, ऐसी स्थिति है। और भी कुछ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए बी 100 सेंटीमीटर लंबा विभवमापी का तार है, इसका प्रतिरोध 10 ओम है ठीक, बहुत अच्छी बात, इसका प्रतिरोध भी 10 ओम दिया है ए बी तार का ठीक। फिर कह रहा है एक भी एक अज्ञात एक प्रतिरोध आर बराबर 40 ओम और 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, वो बैटरी श्रेणी क्रम में स्थिर होगी ठीक। फिर क्या कह रहा है, धारा आपी जी की अवक्षेप स्थिति में E2 का मान ज्ञात करना है, E2 है निकालना भैया, देखो E2 बहुत सरल, E2 बराबर होना चाहिए kx, होना चाहिए कि नहीं, x का मान 40 है तो अवक्षेप बिंदु की दूरी, x तो 40 मालूम है लेकिन k हमें नहीं मालूम, k कब मालूम होगा, जब तार AB का विभवांतर मिल जाए बटे लंबाई मिल जाए, लंबाई सौ मालूम है लेकिन तार AB का विभवांतर नहीं मालूम, तार AB का विभवांतर कब मालूम होगा, IRAB जब तार की धारा मालूम हो प्रतिरोध मालूम, इसका मतलब है मेन बात है कि हमें आई मिल जाए, आई हर जैसे निकला क्या करें, 10 ओम 40 ओम किस क्रम में होंगे श्रेणी क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध हुआ क्यों, क्योंकि ये तो अविच्छेद स्थिति है, इसमें कोई धारा नहीं बहनी है, जो भी धारा इस बैटरी से आएगी वो ऐसे आएगी ऐसे पहुंचनी जाएगी, तो 40 ओम 10 ओम किस क्रम में हुए सीरीज में, तो R इक्वल टू क्या आया 40 प्लस 10 50 ओम, भैया धारा आई ना R आई बराबर क्या E अपान R, E का मान है 2 बटे R का मान 50, 2 बटे 50 मतलब 1 बटे
25 एम्पीयर की धारा है। जो धारा इस बैटरी से निकलेगी वो 40 ओम इस प्रतिरोध में ऐसे होती हुई ऐसे चली जाएगी, क्योंकि इस वाले सर्किट में कोई धारा नहीं है, अविच्छेद स्थिति है इसमें। ठीक, धारा निकल गई। अच्छा, सेल E2 का EMF, सेल E2 का EMF क्या आएगा? E2 और KX, KX हो गया, K हो गया VAB बटे, VAB तार AB का विभवांतर बटे लंबाई, X तो अविच्छेद की दूरी। VAB क्या हो गया? IRAB, IR होता है, तो VAB हो गया IRAB, RAB तार AB का प्रतिरोध। I का मान निकाला आपने बटे 25, RAB का मान 40, तार AB पूरी लंबाई कितनी है? यही तो L है, पूरी लंबाई। अविच्छेद की X मानते थे, हाँ अगर अविच्छेद के लिए L मान ले कोई बात नहीं, तो पूरी वो भी L मान लो, ये भी L मान लो, इसके लिए KL ही सूत्र लगेगा, एक्स है तो एक्स लगेगा। एक बटे 25 बटे 40 बटे एल का मान 100 सेंटीमीटर में रख रहे हैं, एक्स का मान 40 सेंटीमीटर में रख रहे हैं। ठीक, हल करें इसको, ऊपर देखो कितना होगा, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, 4 × 16/25, 16/25 करेंगे, 16/25 करेंगे भाई। ठीक, तो आपका क्या निकल कर आएगा, इसका डिवाइड कर देंगे। ठीक, लेकिन थोड़ा और ध्यान दो कि तार ए बी का प्रतिरोध आपका 10 ओम था, 40 ओम ये प्रतिरोध जुड़ा था। ठीक, तो 40 10 कितना हो जाएगा, 50 तुल्य हो गया। धारा आई और आर ई पाना 2/50 1/25 हो गई। सेल ई टू का ईएमएफ के एक्स वी ए बी अपान है, हाँ आर ए बी जरा गौर करो, आर ए बी तो 10 ही था, आर ए बी वी ए बी निकल रखा है, तो आई आर ए बी रखोगे, जैसे ये तार है ए बी, इसके सिर ऊपर विभवांतर बी हो तो बी और आई आर आर इसके तो प्रतिरोध होगा। अब हम कहें कि नहीं बी ए बी हमने लिया, तार ए बी का प्रतिरोध, तार ए बी का तो प्रतिरोध रखोगे, तार ए बी का प्रतिरोध कितना है 10, तो भैया ये भी 0 कट गया, तो बच्चा कितना 4/25, पॉइंट लगाओ 25 कम 25 कितना बचा 15, 25 छक्का 150, 0.16 वोल्ट है, 0.16 वोल्ट जो होगा वो सेल ई टू का ईएमएफ निकल कर आएगा। ठीक, देखिए इसके बाद आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84। ठीक, एक दो जो रह जाते हैं इनको करने की कोशिश करेंगे, 84 पहुंचे आसान से। एक आपके पास ये सेल है जिसका ईएमएफ 4 वोल्ट है, ईवन बराबर। ठीक, फिर एक यहां पे धारा नियंत्रक लगा हुआ है आरएच, और इससे विभवमापी के तार का कनेक्शन है, ये विभवमापी का तार है, और विभवमापी के तार की लंबाई 1 मीटर दी है, एक मीटर हो गई। फिर आगे लिखा है ये एक सेल E2 लगा हुआ है जिसके लिए अविच्छेद बिंदु की दूरी मिलती है 7 सेंटीमीटर। ठीक, सेल E2 है आपके पास और हमें लगता है E2 का मान भी दिया है, E2 का मान दिया है 1.5 वोल्ट, तो पूछ क्या रहा होगा वो भी देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, प्रदर्शित परिपथ में 4 वोल्ट की बैटरी E1 तथा परिवर्तित प्रतिरोध RH विभवमापी के तार AB से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, विभवमापी के तार AB की लंबाई 1 मीटर है, तार AB की लंबाई 1 मीटर है। फिर आगे कह रहा है कि सेल E2 जिसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है का संबंध A व C से करने पर E2 सेल से कोई धारा नहीं बहती, सी ये पॉइंट होगा इसे दिया नहीं है। सेल E2 से जब हमने A और C के बीच में ये सेल जोड़ा तो यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, दरअसल यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा नहीं है, लगा होता तब तो हम सब जान जाते हैं, इसे कोई करंट फ्लो नहीं होता सेल E2 से,
तो कह रहा है एसी की लंबाई 60 है, याद कीजिए। नंबर एक, विभव आपी के ताप के सिरों ए व बी के बीच विभवांतर, ए बी का विभवांतर निकालना है। दूसरा कह रहा है ए बी तार पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, बहुत आसान है। देखिए नंबर वन, हमसे पूछा गया बी ए बी पूछ रहा है, तो बी ए बी के लिए हमें जरूरत पड़ेगी आई आर ए बी, ठीक। चलो ध्यान देते हैं, वो भी नहीं निकालेंगे, क्वेश्चन मार्क बी ए बी निकालना है। अच्छा, सेल ई टू से कोई करंट फ्लो नहीं करता है जब एसी की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, तो हम ई टू बराबर लगा सकते हैं के एक्स, बोलो एक्स का मान 60 हो जाएगा। ई टू बराबर है 1.5, के का मान मालूम नहीं, एक्स का मान 60, के बराबर निकालोगे 1.5 बटे 60, पॉइंट आओगे जीरो बढ़ालोगे 15 × 15 = 60, 1/40 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, व्युत्पन्नता मिल गई। तो बी ए बी बहुत आसान, के 1/40 वोल्ट पर सेंटीमीटर, लंबाई पूरे तार की 1 मीटर, 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं, 0 0 काट देंगे, 4 × 8 = 4, 5 = 20, 2.5 वोल्ट का विभवांतर होगा तार ए बी के सिरों के बीच। नंबर दो में पूछ रहा है कि तार के 20 सेंटीमीटर दूर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V=kx, k का मान 1/40 वोल्ट पर सेंटीमीटर, x का मान 20 बटे 40, 1/2 0.5 वोल्ट, बहुत आसान था, ठीक। के बराबर हमने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकल आया। चलिए देखते हैं 83, ठीक। 83 वाला दिया दिया है, बहुत टेढ़ा टेढ़ा बना है, ठीक, कर्व जैसा बना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कह रहा है प्रदर्शित परिपथ में सेल E1 का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, एक ये तार ए बी है और इससे एक सेल जुड़ा है E1, ये सेल जुड़ा है E1 जिसका विद्युत वाहक बल दिया है 2 वोल्ट, ठीक। फिर आगे कह रहा है कि प्रतिरोध तार ए बी की लंबाई 100 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो तार है विभवांतर का तार, इसकी लंबाई 100 दी है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, तार के खंड एसी की लंबाई, एक यहां भी ऐसी कंडीशन है, ऐसे ये सी पॉइंट है और यहां भी एक सेल E2 जुड़ा हुआ है, E2 कह रहा है कि एसी की लंबाई 75 सेंटीमीटर है, ये 75 सेंटीमीटर है, ठीक, तो थोड़ा दूर तक बनेगा, कोई बात नहीं, 75 सेंटीमीटर होगी, ये एल हो गया, एक्स हो गया। फिर क्या कह रहा है, एसी E2 का संबंध एवा सी से करने पर सेल E2 से कोई धारा नहीं बहती है। कह रहा है नंबर एक तार एजी की विभव प्रवणता बताओ, नंबर दो पूछ रहा है E2 का मान बताओ, बहुत आसान। नंबर वन के बराबर, अच्छा बताओ यहां कोई प्रतिरोध तो जुड़ा नहीं, तो जो 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है तार एबी के पूरे पर होगा, तो तार एबी का विभवांतर हो गया 2 वोल्ट, मतलब E1, लंबाई एल बराबर 100, E1 का मान 2, लंबाई हो गई 100, 2/ कितना हो गया 100, 2/100 करेंगे तो 0.02 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर निकला है, विभवांतर निकल गया। दूसरा E2 पूछ रहा है, तो E2 बराबर लगा देंगे kx, x बराबर 75 सेंटीमीटर, ये l बराबर था, k का मान 0.02 और x का मान 75 गुणा कर देंगे, 1.50 वोल्ट निकल आया। हेलो, बहुत बड़ा लिखा है, हल कितना छोटा है लिखा उन्होंने, बहुत बड़ा ऐसा लग रहा है, क्वेश्चन हल नहीं होगा, फिगर बना है ऐसा, कर्व जैसा, तो हम सोच रहे हैं हल नहीं होगा, ठीक, लेकिन इतना कठिन नहीं है। चलो भाई दो ही लेने तो बता ही दीजिए,
देखिए 83 वाला, 82 वाला है, 83 एक 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विभवापी है 10 मीटर लंबा, एक समान परिच्छेद का तार है। एक विभवापी में कितने मीटर लंबा है, 10 मीटर लंबा, एक समान परिच्छेद का तार है और इस तार का प्रतिरोध 20 ओम है। 10 मीटर लंबा है, एक 20 मीटर ओम इसका जो है रेजिस्टेंस है, ये भी लिख दिया। आगे क्या कह रहा है, इस तार के श्रेणी क्रम में 480 ओम का प्रतिरोध लगाकर, तार के सीरीज में 480 ओम का प्रतिरोध लगाकर कह रहा है कि 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, 480 ओम का प्रतिरोध है, ऐसी स्थित हो गई इसकी परिपथ की। ठीक, फिर कह रहा है यदि इस विभवापी के 6 मीटर पर एक अज्ञात वैद्युत वाहक बल सेल ई का संतुलन बिंदु प्राप्त हो, एक अज्ञात सेल ई का संतुलन बिंदु कितने मीटर पर प्राप्त हो, भैया 6 मीटर पर, 6 मीटर पर है, 6 मीटर पर संतुलन बिंदु प्राप्त हो, ये 6 मीटर हो गया, यह अज्ञात सेल है, अर्थात यहां पर अगर हम कोई गैल्वेनोमीटर जोड़े तो इसकी सुई सीधी रहेगी, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा जब ये 6 मीटर पर इसको जोड़ेंगे। तो कह रहा है नंबर एक, तार की विभव प्रवणता बताओ, के का मान बताओ, नंबर दो ई का मान बताओ। ठीक, क्या करें, के मिलेगा वी अपॉन एल से, वी मिलेगा आई आर से और आई मिलेगा तुल्य प्रतिरोध से। तो सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध लिखेंगे, तुल्य प्रतिरोध बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 480 ओम प्लस 20 ओम बराबर 500 ओम आएगा। धारा क्या आएगी, आई बराबर बी अपान आर, मतलब ई अपान आर, क्योंकि इधर कोई तो धारा ही नहीं है, धारा ऊपर वाली बैटरी की है जिसका विद्युत वाहक बल 5 है, प्रतिरोध 500 ओम, 1/100 एम्पीयर की क्या हो गई, धारा हो गई। तार ए बी के सिरों के बीच का विभवांतर निकाल सकते हैं, बी ए बी आई आर ए बी, समझ गए, आई आर ए बी, जो धारा इससे निकलेगी ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी और फिर ऐसे चली जाएगी। ठीक, तो आई आर ए बी, आर ए बी का मान 20 ओम, 20 पंजे 100, 1/5 वोल्ट। क्या निकालनी विभव प्रवणता, के बराबर, के बराबर वी ए बी अपान है, बोलो वी ए बी का मान 1/5, एल का मान 10, पूरे तार की लंबाई 10 है, 5, 20, ये 10 × 50 हो जाएगा, 1/50 गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे 0.02 वोल्ट प्रति मीटर, 0.02 वोल्ट प्रति मीटर निकल आएगी इसकी विभव प्रवणता। फिर क्या पूछ रहे हैं, सेल ई का मान ई बराबर के एक्स, के का मान 0.02, एक्स का मान 6 गुणा कितना आ जाएगा 0.12 वोल्ट जो होगा ये सेल ई का ईएमएफ होगा। ठीक, इसके बाद केवल एक क्वेश्चन बचता है 81, कह रहा है इसमें संलग्न परिपथ में ए बी 10 ओम प्रतिरोध का एक समान परिच्छेद का 1 मीटर लंबा तार है। ठीक, तार ए बी ये हो गया, ठीक, और इसका प्रतिरोध 10 ओम है, 10 ओम प्रतिरोध इसका हो गया, 10 ओम प्रतिरोध, 1 मीटर लंबा तार है, 1 मीटर लंबा तार है, 1 मीटर लंबा है, कह रहा है शेष आंकड़े चित्र में, ठीक भाई तो चित्र देखना ही पड़ेगा, 2 वोल्ट का सेल है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लगा है यहां पे, इस रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है 15 ओम और एक इसके यहां पर सेल लगा हुआ है जिसके साथ 1.2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये सेल हो गया और इसका विद्युत वाहक बल दिया 1.5 वोल्ट। फिर यहां पे एक गैल्वेनोमीटर है जी, ठीक, और ये पॉइंट ओ है, ए ओ, गैल्वेनोमीटर जी लगा हुआ है,
ठीक। फिर इसके साथ में एक यहां पे पेट्रोल लगा हुआ है 0.3। शेष आंकड़े चित्र मतलब चित्र में बहुत कुछ है। और इसमें करंट का फ्लो दिया गया है, यहां से करंट चली इसमें होती हुई इसमें निकल जाएगी, ठीक। और सेकेंडरी जो सर्किट बना हुआ है उससे करंट निकली ऐसे ऐसे चली जाएगी ऐसे। अब ध्यान देते हैं, अभी कोई अभिक्षेप वाली स्थिति नहीं गई थी। कह रहा है नंबर एक याद करनी है तार एबी की विभव प्रवणता, और नंबर दो निकालना है अविच्छेद स्थिति में तार एओ की लंबाई, मतलब अगर अविच्छेद हो जाए तो ये लंबाई कितनी, ठीक इतना करना है। तो ये जो सर्किट ऊपर वाला इतना बनकर आता है इसको हम कहते हैं प्राइमरी सर्किट, और नीचे वाला सेकेंडरी सर्किट होता है। तो सबसे पहले हल करेंगे प्राइमरी सर्किट में, लिखेंगे यहीं पर लिख देते हैं प्राथमिक परिपथ में। प्राथमिक परिपथ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 15+10 बोलो आएगा, 15 वो 10 ये देखो उसकी धारा ऐसे तो पर 10 से उत्तर ऐसे जा रही है, 25 ओम हो गया। धारा क्या आएगी इसमें, I=E/R, E का मान 2, R का मान 25 एम्पियर, 2/25 एम्पियर की करंट है। तार एबी पर विभवांतर निकाल सकते हैं, तार एबी पर विभवांतर VAB बराबर KL, KL नहीं I RAB लगाएंगे, I का मान 2/25, RAB का मान 10, तार AB का प्रतिरोध 10 है और I का मान 2/25, 20/25 एम्पियर की वोल्ट का विभवांतर होगा। सही कर लो इसको, 5 × 20 5/25, 4/5 वोल्ट, ठीक। चाहो तो इसको लिख लो 0.8 वोल्ट, ठीक विभवांतर मिल गया। अब क्या निकाल लें, तार एबी की विभव प्रवणता, विभव प्रवणता क्या आ जाएगा, के बराबर वी एबी अपान एल, वी एबी का मान 0.8, एल का मान 1 मीटर, 0.8 वोल्ट प्रति मीटर विभवांतर। फर्स्ट पार्ट ऐसे तुल्य प्रतिरोध, धारा एबी पर विभवांतर, तार एबी की विभव प्रवणता। दूसरा कह रहे हैं अविच्छेद स्थित में एओ तार की लंबाई, बात की है अविच्छेद स्थिति की, ठीक एओ की लंबाई पूछा है। तो देखो एओ की लंबाई हमें मिल जाती यदि हमें एओ के बीच का विभवांतर मालूम हो, अगर हमें वी एओ पता हो तो वी एओ बराबर के इंटू एक्स, के तो मालूम है एक्स ये वाली लंबाई निकल आती, केवल हमें निकालना ए और ओ के बीच का विभवांतर, ए और ओ के बीच का विभवांतर जो होगा ये और ये पैरेलल है तो जो विभवांतर 0.3 ओम का होगा वही एओ का होगा, होगा कि नहीं ध्यान देते हैं। लिखेंगे कि द्वितीयक परिपथ, द्वितीयक परिपथ में धारा निकाल, धारा आई बराबर ई अपान आर, तुल्य प्रतिरोध, ई का मान तो 1.5 है, तुल्य प्रतिरोध 1.2 + 0.3 1.5 अपान 1.5, 1 एम्पीयर, 1 एम्पीयर की करंट निकली द्वितीय परिपथ में। तो हम लिखेंगे 0.3 ओम पर विभवांतर, 0.3 ओम पर विभवांतर क्या आएगा, आई आर, आई का मान 1, R का मान 0.3, तो ये 0.3 वोल्ट का विभवांतर हो जाएगा 0.3 ओम। यही विभवांतर एओ लंबाई का होगा, लिखेंगे यही विभवांतर एओ लंबाई का, यही विभवांतर अविच्छेद स्थिति, अविच्छेद स्थिति में एओ लंबाई का होगा, ठीक। तो इसलिए वी एओ बराबर 0.3 वोल्ट,
और बी ए ओ बराबर रख सकते हैं के एक्स, यहां का विभवांतर के एक्स के बराबर। पॉइंट थ्री के का मान 0.8 इंटू एक्स बराबर 0.3, एक्स बराबर 0.3 अपान 0.8, पॉइंट दोनों जगह से हटा देंगे 3/8 तो पॉइंट लगाएंगे 3, 8 × 3 = 24 आएगा, 6 बचेगा 8 × 56 = 48, 0.375 मीटर आएगा, या लिख सकते हैं 37.5 सेंटीमीटर तार एओ की लंबाई, एओ बराबर एक्स बराबर 37.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम दोनों पार्ट इसके हल कर सकते हैं। देखिए आज आपके सभी न्यूमेरिकल हल हो गए हैं, आपको इसके उदाहरण हल करने हैं, ठीक, और कल आपको नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे।